उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने धाम में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना की। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भी धाम के दर्शन किए। इससे पहले सीएम योगी ने उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन किए। सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 12 वर्ष बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ धाम में यूपी सरकार के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से चमोली जिले के तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में 1 एकड़ भूमि पर 40 कमरों के पर्यटक आवास गृह का निर्माण कराया जा रहा है। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी देश के आखिरी गांव माड़ा पहुंचे, जहां आईटीबीपी के जवानों का उन्होंने हौसला बढ़ाया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जवान किसी भी बात का जवाब देने में सक्षम है। आस्था का केंद्र बिंदु है। एक तरफ आस्था का केंद्र बिंदु सनातन धर्म का एक प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म का ये प्रमुख धाम है हमारा, जहां पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस और गढ़वाल राइफल जो कस्काउट जो है यहां पर एक साथ इस सीमांत कैंप में देश की और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सम विषम परिस्थितियों में यहां पर रहता है, तो दोनों काम एक साथ सिद्ध हो रहे थे। आस्था के साथ साथ राष्ट्र धर्म की एक प्रेरणा जहां से प्राप्त हो रही हो, उस पवित्र स्थल पर और भारत के अपने वीर जवानों से मिलने आनंद ही अलग होता है। तो मैं सीमांत गांव माणा में आज विशेष रूप से जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आया तो अपने इन बहादुर जवानों से मिलने का लोभ भी स्मरण नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आज यहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी, आईटीबीपी के साथ में भी, गढ़वाल राइफल के जवानों के साथ, स्काउट के साथ जवानों के साथ भी यहां पर उनके साथ मिल करके और देश की सुरक्षा के लिए जिस मजबूती के साथ और जिस जज्बे के साथ वे लोग यहां पर सम विषम परिस्थितियों में रहते हैं, उसके प्रति उनका अभिनंदन करने, उनका स्वागत करने के लिए विशेष रूप से मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं अपने सभी जवानों के जज्बे को सलाम करता हूं और मातृभूमि के लिए उनकी सेवाओं को कोटि कोटि नमन भी करता।